विधायक एवं कांग्रेस प्रत्याशी किशोरी लाल को नुक्कड़ बैठकों में लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है। विधायक जिस क्षेत्र में या गांव में जाते हैं, जनता उनके स्वागत के लिए भारी भीड़ के रूप में उमड़ आती है, जिससे कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले वैश्यनाथ विधानसभा क्षेत्र काफी मजबूत दिखाई दे रही है। कुछ नाराज चल रहे कुछ कार्यकर्ता दोबारा कांग्रेस में जुड़ गए हैं तथा पूरी ईमानदारी से कांग्रेस के साथ कार्य कर रहे हैं। ये शब्द विधायक किशोरी लाल ने महाकाल, बड़िया, नगरेह, कुदैल तथा चोबू पंचायतों में नुक्कड़ बैठकों के दौरान कहे। उन्होंने कहा कि उनका एकमात्र लक्ष्य वैजनाथ विधानसभा क्षेत्र का विकास करना है। पिछले 5 वर्षों में उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ लोगों की समस्याओं को हल करते हुए बिजली, पानी, सिंचाई तथा सड़कों का जाल क्षेत्र में बिछाया है तथा आने वाले 5 वर्षों में वह वैजनाथ विधानसभा क्षेत्र को विकास के मामले में नंबर 1 पर ले जाना चाहते हैं, जिससे आम जनमानस को सहूलतें मिलेंगी। उन्होंने लोगों से अपने लिए वोट की अपील भी की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विभेंद्र सिंह के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनने जा रही है। सर्वप्रथम उनके दर्शन करता हूँ, उनसे आशीर्वाद लेता हूँ और फिर गांव-गांव में, पंचायतों में जाकर जनता से अपने लिए सहयोग मांगता हूँ और जो जनता का प्यार मुझे मिला है उसका मैं विकास के माध्यम से ऋण चुकाऊंगा। हर गांव-गांव में बहुत अच्छी मेरी सभाएं हो रही है, लोगों की उपस्थिति अच्छी है और जो मैंने विकास के कार्य किए हैं उनको गिनाकर मैं लोगों से वोट मांग रहा हूँ। आइए का दौरा करूंगा, बंडिया, नगेड़, महाकाल, गांव-गांव में मिल रहा हूँ। लोगों का भारी समर्थन मुझे मिला है क्योंकि मैंने 5 वर्ष में बैजनाथ विधानसभा चुनाव क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास किया है, जिसका श्रेय माननीय मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह को जाता है, उनकी सरकार को जाता है, माननीय शहरी विकास मंत्री शर्मा को जाता है। इस बार भी राजा वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में सरकार बनेगी, सरकार रिपीट करेगी।